Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज मैं सबसे पहले आप लोग को विश करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. तो फ्रेंड्स, इस इंडिपेंडेंस डे को आप लोग बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करिए और बहुत मौज मस्ती करिए. तो फ्रेंड्स, और लेकिन आपको एक बात बता दूँ, जो आज हम लोग ये इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, ये 76 इंडिपेंडेंस डे है. और लेकिन इसके पीछे फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त स्ट्रगल था हमारे फ्रीडम्स फाइटर का. उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश को, इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए. तो उन सभी को जो है फ्रेंड्स मैं नमन करना चाहता हूं. और उसके अलावा जो हम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके लोगों को भी मैं एक थम्स अप बोलना चाहूंगा. इसके अलावा CISF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दिल्ली पुलिस, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी पुलिस फोर्सेज हैं, सभी को फ्रेंड्स मैं थम्स अप करना चाहूंगा. क्योंकि ये लोग अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाते हैं, जब भी हम लोग जो हैं सुख चैन से इस कंट्री के अंदर रह पा रहे हैं. क्योंकि हमारी आर्मी, हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हमारा एयरफोर्स, नेवी, ये लोग जो हैं इतने मुस्तैद हैं सीमा के ऊपर, जो हमारे सीमा के ऊपर जो हमारे दुश्मन जो है नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं. तो फ्रेंड्स, उनसे हमारे को बचाने के लिए दिन रात एक करते हैं. तो इन सभी को मैं सलूट करता हूँ. तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वो देखिए, दो पतंगों की पेच लगी हुई है और इधर भी थोड़े बहुत उड़ रहे हैं. फ्रेंड्स, अभी तक तो उड़ना शुरू नहीं हुआ, देखते हैं कि हम कितना लड़ाते हैं. अब हम भी ज़्यादा पतंग नहीं लेके आए हैं, हम थोड़ा बहुत पतंग वगैरह लेके आए हैं अपने साथ. तो अभी हम दिखाएंगे आपको कि हमारे पास क्या क्या है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हैंडमेड काइट्स हैं. और इधर भी एक है, ये भी हैंडमेड काइट है. और ये सब हैंडमेड काइट्स हैं. तो फ्रेंड्स, इसको भी उड़ाना था आज, मेरे को काफ़ी सारा हैंडमेड काइट उड़ाना था. लेकिन जो है, और ये मैं आज मांझा लगाऊंगा, ये बरेली ड्रैगन. और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी सारा मांझा जो है गिव अवे कर दिया. जो बरेली लॉयन था और आपका जो निंजा थर्ड डिग्री था और जीडी राजू था, उसके अलावा भी काफ़ी सारे, और इदरीस का भी मांझा मैंने जो है सब डोनेट कर दिया. अभी जब गिव अवे के लिए हम लोग गए हुए थे, वहाँ पर डोनेट कर दिया. तो चलिए एक पतंग उड़ाते हैं और कुछ काइट फाइटिंग करते हैं. वो देख दोनों का पेच कैसे लगा है, वो तरीकी. मैं अभी फ्रेंड्स इस पतंग को उड़ाने लग रहा हूँ. ये देखिए, मांझा लगाऊंगा इसमें फ्रेंड्स, बरेली ड्रैगन. तो ये लिया मैंने अपना बरेली ड्रैगन. फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा ही मांझा लगा करके पेच लड़ा दूंगा. तो देखिए ये फ्रेंड्स पेच लड़ने लग रहा है. ये देख पेच लगा हुआ, इधर दिखा, इधर पीछे तेरे पीछे दिखा, ये इधर. फ्रेंड्स, बस थोड़ा थोड़ा सा पतंग उड़ा करके जो है दो चार पेच लड़ा देता हूँ. ये नीचे से आएगा फ्रेंड्स, इसको ऊपर से मैं घुमा देता हूँ, कोशिश करता हूँ. आइबो काटे, देखिए डोर मार के काट दिया फ्रेंड्स. वो देखिए झूमती जा रही है. ए ये चढ़ गया मैं इसके. ए बहुत तरीके काट दी उसने, काट दिया फ्रेंड्स उसने बहुत अच्छा पेच. वो देखिए जा रही है मेरी पतंग झूमती हुई, बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया. फ्रेंड्स, अब हम लोग जो स्पाइडरमैन को उड़ाने लग रहे हैं. और
ये देखिए हमारे स्पाइडरमैन क्या। जा रहा फ्रेंड्स ठुमक ठुमक करके लड़ने के लिए। एक पेच काटा था, एक कट गया, उसने बहुत ही अच्छा खेल दिया फ्रेंड्स। अब देखिए क्या होता है। लेकिन हमारी पतंग देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। देखिए फ्रेंड्स स्पाइडरमैन लड़ने के लिए तैयार है, कटेगा कि काटेगा पता नहीं, आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन है मेरा स्पाइडरमैन बहुत मस्त। स्पाइडरमैन फ्रेंड्स ये एक होममेड काइट है स्पाइडरमैन हमारा। ये क्या हुआ, ऐसा गद्दा मारा खुद ही कट गया। वो देखिए फ्रेंड्स स्पाइडरमैन ने खाता खोल लिया अपना, ऐसा खड़ा गद्दा मारा खुद ही कट गया फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये मांझा लगा रहा हूँ, पतंग मेरी लगी हुई स्पाइडरमैन जो कि होममेड काइट है। मांझा ये है जाज बेग और हैमर 84 लिखा हुआ है। ये देखिए हैमर इधर लिखा हुआ है 8400। बहुत ही अच्छा मांझा है। और ये मांझा जो है आपका बरेली ड्रैगन के नाम से बहुत फेमस हुआ है और मैंने लड़ा करके देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है फ्रेंड्स। अभी आपके सामने ही था, आपने देखा कैसे उसने खड़ा गद्दा मारा, मैंने दो चार हल्की हल्की छोटी छोटी थपकी मारी उसी में ही कट के निकल गया। और ये जो स्पाइडरमैन काइट है फ्रेंड्स ये होममेड काइट है, इसको हमने जब बनाया था तो आपको दिखाया भी था। गर्मी ने हुमस ने बहुत परेशान कर दिया फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी काइट फाइटिंग कर रहे हैं हम लोग। स्पाइडरमैन का देखिए फ्रेंड्स चक्कर कितना बढ़िया है ना, स्पीड भी बहुत अच्छी है, एकदम स्ट्रेट पतंग है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स स्पाइडरमैन लड़ने जा रहा है। किससे लड़ाता, किससे लड़ाना पड़ रहा है। वो काट दी फ्रेंड्स, वो देखिए गई स्पाइडरमैन जिंदाबाद, स्पाइडरमैन।
वो काट दी, वो देखिए स्पाइडर मैन ने एक और को लुढ़का दिया, वो देखिए लुढ़कती पुड़कती जा रही है डिस्को डांस करती हुई, वो देखिए पांच पेच हो गया स्पाइडर मैन का। ये दोनों कट के आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं दोनों। एक पार्क में गिर गया, एक इधर गिर गया। देखिए फ्रेंड्स फिर से स्पाइडरमैन लड़ने जा रहा है। चाइनीज बन जाते उड़ा रखा है, जब ये फंस गया इसमें चाइनीज बन जा उड़ाया हुआ है। अब वो देख निकल गया, अब गई इतनी देर बाद। ये देखिए फ्रेंड्स ये वाली पतंग जो काटी है अभी, ये चाइनीज बन जैसे था। वो देखिए फ्रेंड्स स्पाइडर मैन के ऊपर एक पतंग लटक गया, वो काट दी, वो देखिए स्पाइडर मैन ने काट दी इसकी भी, वो देखिए लटकी हुई थी काट दी। स्पाइडर मैन है ही खतरनाक। देखिए फ्रेंड्स फिर से स्पाइडर मैन लड़ने जा रहा है। काट दी फ्रेंड्स स्पाइडर मैन ने, फिर काट दी आई बो काटे। वो देखिए स्पाइडर मैन जिंदाबाद, बड़े अच्छे प्लेयर की पेच काटी है फ्रेंड्स, मजा आ गया, मज़ा आ गया इस पेज पे। तो फ्रेंड्स होममेड काइट भी बहुत अच्छा होता है, मैं आपको बता दूं, इशारों पे चलती है बिल्कुल एकदम जैसा आप चाहो वैसे उड़ेगी। देखिए स्पाइडरमैन लड़ने जा रहा है और ये भी फ्रेंड्स चाइनीज बन जैसे, इसका भी करना दबोच रहा हूँ मैं। वो देखिए काट दिया चाइनीज बन जैसे, जो भी उड़ा है फ्रेंड्स उसका करना काट दो बस, सबसे बढ़िया रहता है। अब मेरे को पता लग जाता है कौन कौन सी पतंग चाइनीज बन जैसे, अभी तीन चार काट चुका हूँ मैं। ओए आ गई,
ए ए ए ए ये एक और जाएगी ये वाली इन दोनों में से। कन्ना ही उलझ गया एक का। अब भाई घसीटम घसीटा हो गया वो घसीटा, वो घसीटम घसीटा हो गया। अब देख कौन घसीट के ले जाता है किसको। वो दोनों ही पेड़ में गई, गई पेड़ में, बच गया। घुस जा पेड़ में, घुस जा पेड़ में, घुस गया। दोनों ही पेड़ में घुस गया फ्रेंड। इनकी आपस में घसीटम पे घसीटा हो गया था। वो देखिए देखिए फिर से लड़ेगी। भाग गया फ्रेंड्स। मेरी स्पाइडरमैन ने बहुत सॉलिड दौड़ाया था उसको। बहुत ही सॉलिड दौड़ाया था फ्रेंड्स। इस वाले को काटू नहीं तो इस वाले की वजह से ना वो गद्दा नहीं मार पा रहा है, क्योंकि अब वो इसको काटेगा। देखना अभी घुसेगा अंदर इनके। देख दिखा सौरभ, ये पतंग आ रही ना, ये देखिए काटेगा इन दोनों को। ए ये घुसा तेजी के साथ। ए लपेटा, एक को लपेटा दूसरे को भी लपेटेगा, ए दूसरे को भी लपेट दिया। देखो मेरी बात सच निकल गई, वो इसकी भी गई। वो ये पतंग बहुत अच्छी है गुरु, इसकी भी गई। पुत्री की मेरे पतंग के ऊपर डोर आ गया। अभी भी है ना? हाँ है। फ्रेंड्स मैंने अपनी स्पाइडरमैन काइट को उतार लिया और इसमें मांझा अब चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं बहुत सारी पेच काट दी, बहुत सारी, और इसके ऊपर ना अभी दो तीन पतंग लटक गया था और उसमें से दो पतंग शायद चाइनीज़ मांझे से था और इसमें शायद खुड़की पड़ गई थी, तो मेरे को डाउट हो रहा था। तो फ्रेंड्स इस करके जो है मैंने अपनी पतंग उतार ली और ये मांझे में सारी खुड़की पड़ गई थी। अगर मैं नहीं उतारता फ्रेंड्स तो मेरी पतंग टूट जानी थी, इस करके मैंने उतार लिया। उतार करके फिर से इसको नए सिरे से उड़ाएंगे, फिर से वही लगाएंगे बरेली ड्रैगन। आप देख सकते हैं ये देखिए सारा बरेली ड्रैगन का ये लेवल पड़ा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स यही मांझा था और बहुत सारी पेच काट दी। ये देखिए एक पतंग हमारे झंडे में फंस गई फ्रेंड्स। ये एक पीछे से छत से कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा था, उसकी पतंग फट गई थी। देखिए बगैर टेप लगाने से क्या नुकसान होता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ टेप लगा दिया करो, लोग लगाते नहीं। देखिए उसकी पतंग फट करके हमारे छत पे गिरी थी, अब हम इसको रिपेयर करके दे रहे हैं, है ना? ऐसा पड़ोसी मिलेगा कहीं फ्रेंड्स? नहीं तो पतंग अगर छत के ऊपर गिरती है ना फट से लोग तोड़ लेते हैं एक मिनट के अंदर। ये इंडियन मांझा लगा हुआ है फ्रेंड्स इसमें। फ्रेंड्स बरेली ड्रैगन और स्पाइडरमैन इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठा है। 8 पेज काट दिया स्पाइडरमैन ने। अभी इसको हमने उतार लिया था क्योंकि इसके ऊपर फ्रेंड्स कई पतंगों का मांझा गिरा था और उसमें मांझे में खुड़की लग गया था, मेरे को डाउट था तो इसलिए मैंने उतार लिया। अब ये फिर से उड़ने जा रहा है स्पाइडरमैन और हियर वी गो। ये गया आज स्पाइडरमैन ने काफ़ी
कमाल मचा रखा हुआ है। और ये देखिए फिर से जा रहा है लड़ने के लिए, उड़ा ही नहीं पा रहा हूँ फ्रेंड्स, सर के ऊपर पतंग ही पतंग है। ये पतंग पतंग नहीं है, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा था, पिछले से पिछले साल इस साल तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, पतंग ऊपर ही नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए मेरे बिल्कुल सर के ऊपर दो तीन पतंग है, नीचे नीचे करके उड़ाना पड़ रहा है फ्रेंड्स, ज़्यादा ऊपर करके नहीं उड़ा पा रहा हूँ। ये पतंग आई तेरा सर के ऊपर कट के बहुत डोरों से, ये हमारी सर ये पकड़ ली, ये दिखा, अब मैं किसको संभालूं, इसको संभालूं किसको, इसको गिरा देता हूँ नहीं तो हमारी स्पाइडरमैन चली जाए। फ्रेंड्स मेरे हाथ में दो दो पतंग हैं, इसको अब जो है हम गिरा ले रहे पड़ोसियों के छत पे, बाद में उठा लेंगे, वो मेरी स्पाइडरमैन ना चली जाए यार इस चक्कर में कहीं। चलो ये बच गया, अभी स्पाइडरमैन को उठाता हूँ। अब स्पाइडरमैन में फ्रेंड्स सद्दी लगा लेता हूँ क्योंकि इतना मांझा काफ़ी रहेगा, इतना मांझा काफ़ी है और इतने मांझे में काफ़ी अच्छा पेच लड़ जाता है। और मेरा सद्दी का टुकड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रही। तो चलो पेच वस दिखाओ थोड़ा सा, ये पोल में फंस के शायद अपने आप ही उड़ रही है ना, खींचू इसको, वो एक तरीकी कट गई यार, मंझा बदलते ही देखिए काम हो गया। ओ नो फ्रेंड्स, आपको बता दूं ये पतंग पोल में फंसी हुई है और मेरे को आइडिया मिला नहीं, मैंने ऐसे ही खींच दिया उल्टा सीधा और उसी में कट के चली गई। दस तरीकी इतनी अच्छी स्पाइडरमैन कट गई। वो देख कितनी कितनी, वो देख आ रही है, वाइट आ रही है, ब्लू आ रही है, फ्रेंड्स स्पाइडरमैन तो गई, आठ पेच काट दिया था स्पाइडरमैन ने, तो उसका मैंने मंझा चेंज कर दिया, मैंने सोचा कि उस मंझे में खुड़की लग गया तो फ्रेंड्स, और मंझा चेंज करते ही फ्रेंड्स वो पहले ही पेच में कट गई मंझा चेंज करने के बाद। तो अब ये मैं अपने जुड़वे भाई को उड़ा रहा हूँ, ये मेरा जुड़वा भाई है, देखिए इसने भी चश्मा पहना है, मैंने भी पहना है, तो हियर वी गो। और चल मेरे भाई चल जा, ये देखिए बिल्कुल इसका चश्मा भी और मेरा चश्मा एकदम एक जैसा, ये इलाहाबाद में जो कुंभ मेले में ना बिछड़ गया था मेरे से, अब जाके मिला है। देखिए फ्रेंड्स ये पेच लड़ने लग रहा है, वो काटा, वो देखिए गई एकदम छत के नीचे नीचे लेके जा रहा था फिर भी काटा। वो काटी, और आगे लड़ाऊं, देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है और मैं लड़ाऊंगा भी छिटंकी से। वो गई, वो देखिए गई,
एक छिटंकी तो गई। देखो फिर से लड़ने लग रहा है। अरे यार कट गया, बहुत ही बढ़िया काट दिया लाम बना करके। फ्रेंड्स अब ये 72 जोड़ वाली पतंग उड़ने जा रही है और इसमें 72 जॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, और इसको हमने अपने पास ही बनाया था। बहत्तर जॉइंट्स हैं फ्रेंड्स इस पतंग के अंदर। आप लोग ताजुब करेंगे कि इसमें 72 जॉइंट की कैसे बन गई। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर 72 जॉइंट लगे तब जाकर के ये पतंग बना है, यानी 72 टुकड़ों से बना है। हवा बिल्कुल एकदम बैठ चुकी है फ्रेंड्स, ज़बरदस्ती हम पतंग उड़ा रहे हैं और यही पतंग लास्ट उड़ेगी। देखिए सब पतंगें आसमान से उतरती चली जा रही है एक एक करके। फ्रेंड्स हमने इस पतंग को थोड़ी सी उड़ा करके उतार ली। सभी पतंग आसमान में तकरीबन सभी पतंग उतर चुके हैं फ्रेंड्स, बस दो चार उड़ रहे हैं, किसी तरह से उड़ा रहे हैं। हवा बिल्कुल बैठ चुकी है, देखिए फ्रेंड्स झंडे का क्या हालत है आप देख सकते हैं। और आज का वेदर जो था काफ़ी बैड था, बहुत वर्स्ट जो है वेदर था आज का, और इस करके जो है काइट फाइटिंग का मजा नहीं आया। फ्रेंड्स सुबह से ही वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा डर चल रहा था, सुबह से बिल्कुल हवा नहीं चली। 2-3 बजे बारिश आ गया और 5 बजे तक बारिश होता रहा, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए हवा आई, फिर हवा बैठ गई। तो फ्रेंड्स शाम तक जो है ओवरऑल पतंगबाजी अच्छी हो ही नहीं पाई। हमारी सिर्फ 3 पतंग कटी है फ्रेंड्स, और 18-20 पतंग काटी है मैंने, सिर्फ 3 पतंग कटी है और ये 4थी पतंग उड़ी थी, इसको उतार ली फ्रेंड्स। अब जो है आसमान पूरा खाली हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूँगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फ्रेंड्स आज मैंने सोचा था कि बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊँगा, लेकिन हमेशा जो है जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता है, और कभी कभी जो है उल्टा ही हो जाता है जैसा आप सोचते हैं। तो आज बैड वेदर की वजह से बहुत अच्छा वीडियो नहीं बन पाया। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।